ठगी करने वाले तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। साथी दिमाग से जिले में ही छड़, सीमेंट व हार्डवेयर की सामान खरीदकर जिले में ही बेच देता था। आरोपी हुआ गिरफ्तार। राज्य में 100 से ऊपर कर चुका है ठगी। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 100 बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर व्यवसायियों से ठगी करने वाले तीन आरोपी चढ़े बेमेता पुलिस के हत्थे। पंजाबी पारा बेमेता निवासी हरजीत सिंह हुर्रा बेमेता में हुआ। हुर्रा एजेंसी के नाम से छड़ सीमेंट की दुकान से रायपुर निवासी मनीष जैन के द्वारा मोबाइल में संपर्क कर सस्ते दाम में 400 बैग सीमेंट दिलाने की बात की गई थी। आरोपी मनीष जैन विगत 3 से 4 दिनों से बेमेता निवासी जितेश डागा, जिसके बेमेत्रा में सीमेंट की एजेंसी से भी संपर्क में था और उसे कहा कि एक ट्रक सीमेंट की आवश्यकता है। जितेश डागा के द्वारा मनीष जैन को एक ट्रक सीमेंट 410 बैग प्रति बैग 265 रुपये की दर से दे दिया गया, जिसे आरोपी मनीष ने हरजीत सिंह हुर्रा को बेच दिया और अपने मित्र कुनाल सिंह निवासी बिरगांव, जिसका टोकट महेंद्र बैंक बिरगांव में ही उस बैंक में खाता में हरजीत सिंह हुर्रा से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से 84,000 रुपये प्राप्त कर लिया गया। सीमेंट के इस संव्यवहार का पता जितेश डागा को लगने पर तत्काल हरजीत सिंह हुर्रा से संपर्क किया और बताया कि उस सीमेंट की राशि मनीष जैन द्वारा उसे भुगतान नहीं की गई है। हरजीत सिंह हुर्रा एवं जितेश डागा तत्काल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस में राजीव शर्मा से जाकर उनके कार्यालय में शिकायत किया। पुलिस में मेहता के द्वारा तत्काल इस घटना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल एक टीम तैयार कर मनीष जैन को पकड़ने बिरगांव रायपुर रवाना किया गया। साथ ही हरजीत सिंह हुर्रा द्वारा कुनाल सिंह के अकाउंट में भेजे गए 84,000 रुपए को फ्रीज कराया गया। उस घटना में शामिल आरोपी एक अभिषेक निवासी उरकुरा बिहार कॉलोनी थाना जमतराई जिला रायपुर, दूसरा कुरान सिंह, तीसरा अमित बंजारे जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ कर पता हुआ कि आरोपी अभिषेक मिश्रा ही मनीष जैन व राहुल जैन बनकर बात करता था तथा जहां ठगी करना रहता था उसी शहर के किसी एक दुकान में सीमेंट, छड़, रेत, मिट्टी, गिट्टी, ईट आदि सामान खरीदकर उसी तरह के किसी दूसरी दुकान या जहां निर्माणाधीन भवन मालिक से कम कीमत में सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी, ईट बेच देता था। पेमेंट अपने खाते में डालवा कर ठगी को अंजाम देता था। उसके पश्चात आरोपी मनीष जैन अभिषेक मिश्रा फोन बंद कर देता था। उपरोक्त तीनों आरोपी के द्वारा पूर्व में दाढ़ी में वर्ष 2019 में भवानी ट्रेडर्स के स्वामी राजेंद्र चंद्राकर से भी 3 लाख रुपए का छड़ की खरीदारी कर ठगी का अपराध किया गया था तथा उस रकम आरोपी अभिषेक मिश्रा द्वारा रायगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाता में डलवाया गया था, जिसे उस समय शिकायत मिलने पर तत्काल फ्रीज कराया गया था। उस घटना पर दिनांक 1/9/2021 को थाना डाढ़ी में अपराध क्रमांक 104/2021 धारा 420 पदवी का अपराध उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2020 से उपरोक्त आरोपीगण द्वारा थान खंभीरिया निवासी सुधीर अग्रवाल से 200 बोरी सीमेंट ठगी करना स्वीकार किया गया है, जिस पर थाना थान खमरिया में दिनांक 3/9/2021 को अपराध क्रमांक 147/2021 धारा 420 अपराध आरोपी गढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आरोपी अभिषेक मिश्रा अपने साथी अमित बंजारे के साथ मिलकर रायपुर में 49, बिलासपुर में 9, धमतरी में 9, राजनंद गांव में 8, दुर्ग में 7, बालोद में 2, बुंगेली में 2, गरियाबंद में 1 एवं महासमुंद में 1 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हार्डवेयर व्यवसायियों को ठगी करने का शिकार बनाया जाना कबूल किए हैं। आरोपियों को पूछताछ किया गया तथा अन्य जिले के विवेचना अधिकारियों को भी पूछताछ करने हेतु सूचित किया गया था। प्रदेश में लगभग 100 ठगी आरोपियों द्वारा किया गया है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। प्रार्थी हरजीत सिंह हुर्रा निवासी बेमेतरा द्वारा बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मनीष जैन नाम से कोई व्यक्ति उसको फोन करके बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने के नाम से धोखाधड़ी किया है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी जो मनीष जैन अपने आप को बताया था अभिषेक मिश्रा निवासी खमदारी रायपुर को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा जो है घटना कारित करना स्वीकार किया और इसके अलावा भी अन्य जिलों में भी और बेमेतरा जिले में थाना दाढ़ी, थान खमरिया, इसके अलावा अन्य जिलों में रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, गरियाबंद आदि जिलों में भी इसके द्वारा बहुत सारे मामले इस टाइप से ठगी किया गया है, ऐसा स्वीकार किया है। और तो आरोपी अभिषेक मिश्रा व उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।